ब्यूटी केयर और सामान्य बीमारियों के लिए घरेलू उपचार की सीरीज में आज हम आपको बता रहे हैं सहजन यानी ड्रमस्टिक के औषधीय गुणों के बारे में। हम यह भी बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इसका सेवन करना चाहिए या नहीं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सहजन पतला, लंबा और हरे रंग का होता है। इसके पेड़ का हर हिस्सा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके फूलों और फलों का सब्जियों के रूप में और जड़ का मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग परफ्यूम, दवा, उर्वरक और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी होता है। इसमें मौजूद विटामिन, जिंक, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पेट संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। यह अस्थमा, त्वचा रोग, सूजन और थायराइड जैसी समस्या को दूर करता है। सहजन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। यह डायबिटीज में भी फायदेमंद है। आयुर्वेद में सौंदर्य निखारने के लिए भी सहजन के अनेक उपयोग बताए गए हैं। रूखी त्वचा के लिए उबले सहजन को अच्छी तरह मैश कर लें। इसमें थोड़ा गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगा लें और कुछ देर छोड़ दें। इससे चेहरे पर निखार और कसाव आता है। त्वचा तैलीय हो तो सहजन के पत्तों के पाउडर में नींबू का रस और दो बूंदें बादाम का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। ऐसा हफ्ते में एक बार करने से निखार आता है। सहजन के पत्ते, एलोवेरा और हल्दी पाउडर का पेस्ट चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स दूर हो जाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक गर्भवती महिलाओं के लिए भी सहजन के अनेक इस्तेमाल हैं। गर्भावस्था में सहजन के फूलों की चाय पीने से यूटीआई की समस्या खत्म होती है। सहजन की सब्जी खाने से प्रसव के दौरान दर्द में आराम मिलता है। इसके फूलों के सेवन से प्रसूता में दूध बढ़ता है। 100 ग्राम सहजन के पत्तों को साग की तरह पकाकर खाने से पर्याप्त कैल्शियम मिलता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसमें दूध की तुलना में 2 गुना प्रोटीन और 4 गुना कैल्शियम होता है। सहजन को बच्चों के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। उन्हें सहजन के पत्तों का रस देने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। सुबह शाम पिलाने से उल्टी दस्त में राहत मिलती है। इसके पत्तों का ताज़ा रस डालने से कान दर्द ठीक होता है। आइए अंत में आपको यह भी बता दें कि अगर आप खून पतला करने की दवाएं ले रहे हैं तो सहजन का सेवन न करें क्योंकि इसमें खून अधिक पतला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारियां आपको कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सहजन यानी ड्रमस्टिक्स के इस्तेमाल से जुड़े अपने अनुभव हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 9394293942 पर मिस्ड कॉल दें। और याद रखें, हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है। साथ ही किसी भी रूटीन को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नमस्कार।